हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज स्टडी विद पूजा मित्तल। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू से दैट प्लीज़ टेक ए पेन एंड ए पेपर एंड नोट डाउन दिस टेबल इन योर नोटबुक, क्योंकि ये काफ़ी इजी रहेगा। क्योंकि आप वीडियो देखोगे साथ साथ, एक तो लर्न हो जाएगा, थोड़ा माइंड में आइडिया हो जाएगा दे क्या रखा है, और नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इसलिए पेन कॉपी लेके साथ में रहो, क्योंकि आपने देख ही रखा होगा लास्ट वीडियोस में, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। और एक पेस्ट को लर्न करने का एक अच्छा तरीका है ये, टेबल के थ्रू इनको लर्न करना। तो पेस्ट मैनेजमेंट हम कंप्लीट कर रहे हैं अपने चैनल पे इन टेबल्स के थ्रू। सो टूडेज आवर टॉपिक इज़ लाइफ साइकिल ऑफ पेस्ट ऑफ पैडी। इसमें अपने सिलेबस में कौन सी पेस्ट की लाइफ साइकिल अपने को दे रखी है, वो क्या है, लेप्टोकोरिसा एक्यूटा, इसकी हमें लाइफ साइकिल पढ़नी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ साइकिल ऑफ लेप्टोकोरिसा एक्यूटा, जो पेस्ट है पैडी की। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, टाइम पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल, ये कितना दे रखा है, 4 से 5 वीक तक इसका दे रखा है टाइम पीरियड। फिर इन वन सीज़न, इसके अंदर कितने ब्रूड्स होते हैं, 5 ब्रूड, एक सीज़न के अंदर लाइफ साइकिल में 5 ब्रूड इन्वॉल्व होती हैं। इसकी मेन रिप्रोडक्शन इन लाइफ साइकिल, सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्शन किस टाइम होता है, जुलाई से नवंबर के टाइम ये जो लेप्टोकोरिसा एक्यूटा है ये रिप्रोडक्शन करती हैं। हाइबरनेशन टाइम इनका क्या है, दिसंबर टू फेब इनका हाइबरनेशन टाइम है, कि उसके उस टाइम में छिप जाती है, खुद को हाइबरनेट कर लेते हैं लेप्टोकोरिसा एक्यूटा। एंड फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ पेस्ट कब होती है, विद द ऑनसेट ऑफ मानसून रेनिंग, मानसून की रेनिंग होते ही इनकी अपीयरेंस स्टार्ट हो जाएगी। क्या क्या देखा हमने, टाइम पीरियड है 4 से 5 वीक का, एक सीज़न में 5 ब्रूड होती हैं, रिप्रोडक्शन होएगा जुलाई से नवंबर के तक, हाइबरनेशन होती है दिसंबर से फेब तक, और फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ पेस्ट होती है विद द ऑनसेट ऑफ मानसून रेनिंग। तो इस लाइफ साइकिल में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, एग से निम्फ, निम्फ से अडल्ट, ये कन्वर्जन इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसमें फीमेल क्या ले करती है, 24 to 30 eggs इन 3 rows ऑन द लीव्स, एक लीफ पे 3 लाइन में 24 से लेके 30 egg फीमेल ले डाउन कर देती है। अपीरेंस ऑफ एग क्या है, एग कैसे दिखते हैं, ब्लैक कलर के, ओवल, फ्लैट विद कनकेव मार्जिन्स एंड अबाउट 1 mm इन लेंथ, ठीक है। इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ एग, एग बन गया, एग से अब क्या बनना है, हमने कन्वर्जन में देखा था निम्फ, निम्फ से बनना है अडल्ट। तो निम्फ के लिए इसका इनक्यूबेशन टाइम कितना है, 5 to 8 days, 5 to 8 days के बाद क्या होएगा, एग हैच हो जाएगा निम्फ के अंदर। तो हम देखेंगे कि एग हैच हो गया, निम्फ बन गया, निम्फ अब दिखता कैसा है, हमने एग को देखा था एग दिखता कैसा है। तो निम्फ दिखता है पेल ग्रीन इन कलर, स्मॉल, स्लेंडर, लॉन्ग लेग्ड एंड डिवॉइड ऑफ विंग्स, विंग्स नहीं होते इसके अंदर। निम्फ ग्रो इन अडल्ट इन 15 to 18 days आफ्टर अंडरगोइंग 5 moulting, 15 से 18 दिन के अंदर निम्फ के अंदर 5 moulting हो जाती है, मतलब एक स्किन उतर गई, दूसरी नहीं आ गई, तीसरी नहीं आ गई। सो निम्फ ग्रोथ इन विंग्ड अडल्ट, हमने ये देखा था कि ये विंगलेस हैं, जो हमने अभी देखी थी अपीयरेंस, सब एग से जस्ट हैच होते ही निम्फ जो बने, निम्फ जो अडल्ट बनेंगे वो कौन से होंगे, विंग्ड होंगे, और 33 to 35 days ऑफ लाइफ स्पैन होती है अडल्ट्स की। ये हो गई अपनी इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट, किसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट, अपनी लेप्टोकोरिसा एक्यूटा की लाइफ साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, कि 4 से 5 वीक तक इसकी पूरी लाइफ स्पैन है लाइफ साइकिल की। अडल्ट की है 33 से 35, और 5 ब्रूड होते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर क्या था, माउल्टिंग होती हैं, 5 माउल्टिंग होती हैं। इनक्यूबेशन टाइम एग का, एग निम्फ बनेंगे 5 से 8 दिन में, और वो कन्वर्ट होंगे 15 से 18 दिन में। अब हम इसको डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करते हैं,
अडल्ट है ये अपना पैडी का। 30 से 35 दिन तक इसकी लाइफ स्पैन होती है। फीमेल एग ले करेगी लीफ की सरफेस पे, देखो साइड में डॉट डॉट बना रखे हैं, एग बना रखे हैं लीफ की सरफेस पे। 5 से 8 दिन इनक्यूबेट होके निम्फ बन गया। निम्फ क्या है, निम्फ 5 माउल्टिंग करेगा और 15 से 18 दिन के अंदर अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ये पूरी लाइफ साइकिल है अकूटा की, ये 4 to 5 वीक्स तक होती है। तो ये हो गई लाइफ साइकिल ऑफ अपनी लैप्टोकोरिसा अकूटा की लाइफ साइकिल। तो अब इसके देखते हैं हम कंट्रोल क्या है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। शुडंट हैव वाइल्ड ग्रासेस इन द सराउंडिंग ऑफ पैडी ग्रोइंग एरियाज, जहाँ पे हम पैडी अपनी धान को ग्रो कर रहे हैं उसके आसपास कोई भी जंगली घास नहीं होनी चाहिए। और यूज़ लाइट ट्रैप टू कोच इंसेक्ट, इंसेक्ट को पकड़ने के लिए जो जो लाइट इन वेट और जो ये होते हैं लाइट वाले, इन ट्रैप्स को यूज़ करो। या फिर डस्टिंग करो 0.25% BSC और 5% मेल्थियन, और या फिर क्लिप्ड ऑफ एंड बर्न द लीफ हैविंग एक्स। ये हैं तरीके कंट्रोल करने के अकूटा वाले पेस्ट को। तो ये थी अपनी लाइफ साइकिल एंड कंट्रोल ऑफ पेस्ट ऑफ पैडी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक्स टू ऑल।